नहीं नहीं ठीक है ठीक है ओके जी ख्वान किस पहले गुम आज तो व्हाइट 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 ब्लैक व्हाइट व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट एंड वो होता है ना जब वो ऐसे करते हैं ना पुकते हैं लेकिन विनर मैं हूँ आज इसका मतलब आप लोग आउट हैं आप निकल जाएंगे गेम से नहीं मैं विनर हूँ सीन एक वो बात और उस बात में फर्क पड़ता है 100 और 0 में वो लेकिन नसिला याकिलून अक्सर ये जो है ना वो अकल नहीं रखती तो इन तो अक्सर अमन फिल अर्द जो लकों का سبيل अल्लाह तो अगर आप सीधे से फॉलो करोगे तुम गुमराह हो जाओगे तो ये लेकिन अक्सरियत सुन्नत पे हो तो अल्लाह यास लेकिन अगर हो तो अगर हो है है वाइट है हम सर अभी बीन बस्टेड आज हमने कैंसिल कर दिया वो सादा तक और ये कि उम्मत जाना कभी गुमराह पे इकट्ठी नहीं होगी तो ब्रो वी वन अल्लाह हु अकबर यार आज लास्ट सेशन है बॉयज हां हाउ डू यू फील इमोशनल कहना चाहिए हाउ वाज द जर्नी सो फार अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो मुझे तो खुद बहुत बेनिफिट हुआ है दिस सीरीज का आई हैव रियली एंजॉयड इट यू नो एंड द बॉन्डिंग द डिस्कशन एंड एवरीथिंग मेरा शुरू वाला हाफ almost first to 20 days nahi the lekin even this ending jo hai na firstly very beneficial for myself aur doosre balki badi mix emotions thi aaj na throughout the day bhi ke yaar wo banda sochta na kaisa har dafa haddsal hi hota hai ke yaar ramzan zyada to nahi kar diya kya and then you know aap prepare kar rahe hote aage ke liye bhi ke yaar ab aage kya karna hai and you know started think about the next आ, होता है ना, नाइट ऑफ कदर डिसाइड हो गया अभी, अभी की बात है हम कह रहे थे कि आ रहा, आ रहा। और आ है। अभी हमें के रमजान आपके सामने है एक दो दिन रह गए और यकीन कीजिएगा मैं नमाज पढ़ के आ रहा था शाह की देखा बहुत बहुत सारी ना भीड़ है रश लगा हुआ है पता चला जी किसी की फोदगी हो गई है अच्छा अभी तो तो मेरे एरिया में पिछली स्ट्रीट में तो मैंने कहा देखो इस बंदे को जो भी हुआ है बहुत हुआ है इसको देखे, आ, यानी ईद जो है अल्लाह तला ने उससे पहले पहले जो है अपनी तरफ जो है ले यार वैसे मैंने मुझे आज ईशा की नमाज में ना मैंने गरीब घर गर के पास वाली मस्जिद में पढ़ी और आई वॉज सरप्राइज टू तो सी के तीन सफ़े थी यार पहले तो जूतियाँ मुझे बहुत कम नजर आई मैंने कहा हैं ये क्या और फिर आगे सफ़े भी नहीं थे यार

अपने जो सहूर है ना उसको यानी डिले करो लेट करो तो अब देखिए उसकी यानी हमत ये है कि अब आप जैसी यानी अजान होती है आप सहरी ख़त्म करते हैं ताकि आपकी फजर मिस ना हो यानी आपने यानी आपने सहरी ख़त्म की अजान हुई भी और आप जाके नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन सुबहानला अगर ये जितनी हमें थर्टी डेज जो हमें यह ट्रेनिंग दी गई है और अगर हम ऑल ओवर सडन ईद का पहला दिन है और हम इसको मिस कर रहे हैं

क्या तैयारी करके आते होंगे like you know? no, no और दूसरी बात यह है कि साथ एक तो खुशी है कि अलहमद ने तोफी दी दूसरा गम भी है कि बस अब रमजान की जो रौनकें वो जो मस्जिदों में लंबी लंबी तरावियां और वो आपका लंबा-लंबा क्याम करना अब यू नो लंबा लंबा क्याम अगले साल तक नहीं होगा

है ही नहीं उदून लैंग्वेज इसको हम तर्जा ऐसा करते हैं कि बस यही है तो बस यही है कौन है जब अल्लाह तला का जिक्र होता है ना देखिए जब कयाम है अब देखिये कारी है और वो तिलावत करते जा रहे हैं

एलेवेंथ हार में हम लोगों ने बहुत सारी डिस्कशन की डिफरेंट टॉपिक्स पे आज मैं चाहता हूँ कि लोगों को ना हम कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स देखे जाएं कि यू हैव टू डू दिस 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 एंड इन द कमिंग एलेवन मंथ्स इन ऑर्डर टू स्टे एट द टॉप ऑफ योर गेम इन ऑर्डर टू फील दैट हार्ट क्योंकि हदीस में क्या आता है <coughs> यख लको फी जो फीदकु

इट विल नॉट फ्रॉलेजोजायर यह पहले तो मैं ना अपने आप को भी और लोगों को भी इस डिसप्शन से निकालना चाहता हूँ कि ये हमारी जो प्रैक्टिस है कि हम एक महीने के लिए इबादात में आते हैं बड़े जोश से और फिर जब निकल जाते हैं अल्लाह ता हाँ, इसकी क्या वैल्यू है क्योंकि hmm. एकदम धड़ले से आना hmm. और आ, कुछ इबादत करनी और फिर एकदम रमजान खत्म अल्लाह तीम है हमारी की ट्यूनिंग हम कराते हैं, गाड़ी कराते हैं ना अल्लाह हमें ना हर साल रिफ्रेश करते हैं कि मेरे बदलो तो तुम वो दीन का मजा चख लो जो तुम भूल चुके थे ईमान तो की हलावत है ना वो चखो और शायद तुम्हें इस हलावत को फील करके तुम मेरे पास फफीला वापस पलट के आ जाओ तो माँ गौर कब रब करीम तुम कहाँ चले गए थे इस महीने में इंसान फील करता है कि यार अब मैं कहाँ चला गया था वापस मैं आ जाता हूँ और शायद इस महीने और लिटरली बहुत से लोग इस महीने में चेंज होते हैं मैं इस महीने में चेंज हुआ मैं उनकी बात कह रहा हूँ जो नमाजें भी नहीं पढ़ती सिर्फ आते हैं नमाजें पढ़ने के लिए रमजान में और यू यू नो देन डोंट सी देम असल में बहुत सारी आई थिंक रीजन एक हमारे कुछ चीज़ें कल्चरली की जा रही होती हैं रमजान में जो नमाजें पढ़ते हैं असल में माहौल बन जाता है ना Uh, रमज़ान में एवरीथिंग स्लोस स्लोज डाउन हमारा हर किसी के टाइम ज़रा ऑफिस आवर्स काम हो रहे हैं अफ्तारियाँ और फिर रातें मतलब एक वो माहौल पूरा बना होता है सो mm -hmm. so, बहुत सारे लोग ना उस माहौल के अंदर आके ना ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं सो द मोमेंट दिस माहौल चेंजेस द चेंजेस वेल वापस वो दूसरा माहौल आ जाता है खत्म होते साथ ही हमारा कल्चरली काम बिजी सारे सामने करना। तीन दिन पहले वो सोचना शुरू कर देते हैं यार अच्छा वापस जाना है काम पे कैसे करना है और एक चीज करें चेंज होती भी है मतलब इसमें कोई ऐसी उसम हो रही है आप जिस तरह हम लोग लास्ट टेन डेज में क्या होता है लम्बा लम्बा आप जाग रहे होते प्रैक्टिकली चीजें लेनी है ना उस दिन सब रात जाग रहे हैं

हाँ। रमजान से रमजान के बीच में गुना माफ हो जाते हैं हज से हज के बीच सॉरी से के बीच में गुना माफ हो जाते हैं देते तो हम ये, कहें आ, ये वाली के अगर कोई रमजान से शख्स निकलता है और वो उसकी जिंदगी में कुछ तब्दीली आती है चाहे वो बेशक थोड़ी सी है तो शायद ये उसका सबूत है कि रमजान में से इसने कुछ ना कुछ हासिल किया है एग्जैक्टली लेकिन वो शख्स जिसकी रूटीन में कोई तब्दीली नहीं आती और वो वन एटी डिग्री दोबारा उसी रूटीन पे चल जाता है और हराम कामों में भी पड़ जाता है और जो फर से दूरी थी वो भी इख्तियार कर लेता है तो इसका मतलब है कि ऐसे शख्स ने रमज़ान से कुछ हासिल नहीं किया अगर तो, तो उसने फराइज पे अमल किया और रोजे रखे और फराज पे अमल किया, फिर पलट गया तो वक्ती हम ये अजर मिल गया उसको वक्त वो अज़र तो मिला। उस टाइम का वो अजर तो मिला ठीक है वो तो अल्लाह ताला ने उसको दिया ठीक है लेकिन हम ना असल में हम अल्लाह की रहमत को लिमिट नहीं कर रहे हम अल्लाह की डिसीजंस पे बात कर रहे हैं हम प्रिंसिपली बात करें इस्लाम

हुँ। हुँ। गाली देना हुँ। हुँ। वो हुँ। निकलते जाते हैं इसी तरह से अगर इंसान गुनाह के बाद निकिया कर दे तो निके गुनाह खा जाती है। ये उप, दोनों हैं वो आत हुआ की आप गुनाह के बाद नकी कर लो वो उसको मिटा देगी

यानी यानी जितने परसेंट आप देख लें, चाहे वेदर इट या मिनिम्म से मिनिम्म आप कर लें अगर आप जो ताला से हुआ है, इसको कम से कम आप टूटने ना exactly. अल्लाह ताला, ताला, ताला जो, जो हमारे अंदर परसेप्शन है ना ये है कि यार बहुत है बहुत टफ है हमारी आजादी छिन जाएगी हम लोग याश नहीं कर सकेंगे हम लोग तो दीन पे चलता है ना

जिसका मुंह जमीन से टच हुआ है। आपने देखा है जो होते हैं ना वो नीचे सूंग सूंग के नीचे उनका टच हुआ होता। वो जहां भी उनको खुराक मिल रही होती, वो वहां उनको कर रही होती है वो पे ये शख्स ज्यादा हिदायत पे है ठीक है अला या वो शख्स जो सीधा तो ये जो कनेक्शन है

तो हम लोग बेसिकली यहाँ बैठने का मकसद ये है कि यार उस एक्सट्रीम में जाने से पहले-पहले पहले रिटर्न टू अल्लाह सुभान व जो इतने मुश्किल तरीके से तुमने सीखना है तो वन नॉट नाउ और एक कमेंट भी ले लेते हैं अभी एके कह रहे हैं कि आफ्टर वाचिंग योर शो आई फील अ बिग चेंज इन मी एंड आई फील नाउ आल्सो कैन फॉरगिव मी आई थिंक नाउ अल्लाह कैन फॉरगिव मी

बल्कि भी भी है। भी करते हैं। वल्लादीन लेकिन अल्लाह तला तो चाहते हैं है, अच्छा उठो कुछ कदम तो बढ़ाए फिर हम दस कदम बढ़ाएंगे तुम चल के हो हम दौड़ के आएंगे और एक रास्ता नहीं दिखाएंगे तुम्हें

Hmm. यानी ये, ये उनको जब जन्नत मिलती है ना कि अगर hmm. अजाब से बचते हैं तो ये उनके लिए यानी अलॉट हुआ है मिम्मा hmm. का सबू जो उन्होंने कमाया hmm. यानी जब आप खाली सिर्फ दुआ मांगते हैं ना करते कुछ नहीं है hmm. तो दैट दैट वॉन्ट बेनिफिट एट ऑल मिम्मा का सबूत यानी इसके दुआ मांगने के साथ साथ यू हैव टू वर्क हार्ड आप कुछ ऐड कर रहे हैं हो <laughs> जा, जा, जाहदु ना, जाहदु उसे जो, याद आ था कि यू, uh, जो है ना वो कम हो और कंसिस्टेंसी के साथ किए जाए। मतलब जो ऐसा जो ऐसा शख्स है है, कि इस तरफ आ रहा मेरे ख्याल से से उसको फ्राइज स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं हर बंदा अपना अच्छा बड़ा एक ना माम महमद का एक आ, उनकी उससे प्रिंसिपल से निकाला कुछ कॉलेज ने और बड़े मजे है उसमें था कि आप स्पेशली से रिलेटेड है वो ये कि जब भी अब रमजान खत्म हो रहा है ना तो आप अपने लिए ना हर चीज से जैसे अभी हम तकरीबन हर रोज रात को तहज क्या मलेल कर रहे हैं तो मिनिमम स्टैंडर्ड रमज़ान बेर मिनिमम है लेट से थ्री डेज मैंने क्या मलेल करना है

के छ रोजे रखे रोजे। उसको पूरे साल रोजे रखने का सवाब मिलता है। यानी अल्लाह ताला जो बेर मिनिमम सवाब देते हैं वो एक रोजे का होता है ठीक है एक साल तो छह रोजे रख लो तो मजीद तो तुम्हें पूरे साल के रोजों का सवाब दे दूंगा रोजे ना सकते हैं

दरिया के पास बैठा हुआ था और एक शख्स आया उसके पास और कहा कि सोकर मुझे अपना सारा इल्म दे दे तो उसने कहा कि उसने उसको पीछे से पकड़ा और उसके मुंह पानी में डाल दिया अब हाथ तो मारता था वो वो सरप्राइज किया यार ये क्या हो गया मेरे साथ उसने वो बिल्कुल बेहोश होने लगा <laughs> तो उसने क्या किया उसको कहा तूने क्या चवल मारी

ठीक है <laughs> क्योंकि बाबा आपको पानी में ना दिखा दे दे ठीक ठीक है 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 नहीं ये बात बिल्कुल एफर्ट no, जो है ना और डिजायर अच्छा आप जो शुरू बल्कि जो बात करें जो लोग रमजान में आते हैं और उसके बाद बिल्कुल उस असल में दो कैटेगरीज है एक है जो एक्चुअली में इंटेंड ही करती है दिल लोग रमजान खत्म हो तो बस हम अपनी पुरानी रूटीन में जाए दूसरी कैटेगरी है जो कि इरादा तो रखती है बट उनसे हो नहीं रहा होता दे फॉल बैक असल में हमें जो प्रैक्टिकल टिप्स हम बात करें ये ज्यादा उनके लिए रेलिवेंट है

के जो पांच चीजों के बारे में बताया गया था खमस खमस। के पांच चीजों को आप यानी यानीमत समझो उनसे बेनिफिट लो पांच से पहले वो उनमें से क्या था खास कर जो यूथ सुन रही है के का कबला यानी अपनी ये जो हम कहते हैं ना शबाब है अपनी यूथ को यंग एज को गनीमत समझो अपने बुढ़ापे से पहले बिल्कुल सुबह और यकीन कीजिएगा एक शेर भी है वो मेरे उसके सही वर्डिंग्स मेरे माइंड में नहीं आ रहे मीनिंग मोरलेस ये है कि मत बर्बाद कर अपनी ज़िंदगी ऐ जवान क्या तब इबादत करेगा जब गुनाह की ताकत नहीं होगी अब देखिए ना आप कितने बुरे आपको जो है कसीनो साइड में, में बात नहीं, बात है। है। नहीं आते ना नहीं लिए लिए सारे उल्टे सीधे काम कौन कर रहे रहा है यही टाइम होता है अल्लाह ताला की ता, अल्लाह ताला के अल्लाह ताला के साथ अपना जो है ना रिलेशन स्ट्रॉ करने का और अल्लाह ताला कितने खुश होते होंगे कि इस बंदे के पास आ, जो है ताकत है यानी वो बुराई की तरफ भी जा सकता है लेकिन वो क्या कहता है इन कि मैं अल्लाह ताला हुँ, से डरता हूँ तो ये है जिसे शबाब का हरम एक

फॉर इवन अगल मिनट वही वाली बात जब हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि अगर बंदा फॉर एग्जाम्पल सब कुछ गुजरने के बाद कब्र से वापस आए waste even a single minute कि वो ही वेस्ट इवन अल मिनट वगैरह वो तो यूटिलाईज करेगा अल्लाह तला से गिड़गिड़ाएगा तो इस्ते करेगा तो इट हैज बी तो यानी उसको जो है ना यूटिलाईज करना चाहिए और वो सेहत को अब देखिए हम लोग सेहतमंद है

कि कि तुम इस बॉक्स को ना फिल करके ना करके आना क्या मतलब एक-एक सांस जो है ना, make value of it, make use of it, के, के बगैर ना निकले और सुबह hmm. वो तो आम दिनों में ताक यार। आज नमाज के बीच में गाय पाया शेख ने कहा कि मैं वजू करके आता हूँ लोग अबे मारने शुरू हो गए एक एक सेकंड कीमती है इस ताकत का कि आप अल्लाह से दुआएं कर सको अपने सको पीपल स्पेंड टाइम शेख जो डॉक्टर फजल तो ने खड़े कहा कि एक एक सेकंड हमारा कितना कीमती है वो ये आखिरी ताकरा है रमजान की हमें नहीं मालूम कि हमें अगर रमजान मिलेगा या नहीं मिलेगा साल बाद है सबक तो उस रात का नहीं पता था साथ. तो हाउ कुड यू स्पेंड योर लास्ट इन ताकफुलनेस तो रमजान खत्म होने के बाद वो जो जाहद वाला पार्ट था ना कीपिंग uh, uh, कुछ अपने जो फ्राइज है उनसे करना मैं समझता हूँ उसके साथ साथ कुछ सिंस को आइडेंटिफाई भी करना हर शख्स के लिए बड़ा जरूरी है कि मेरे मैं किन किन सिंस में इन्वॉल्व हूँ और उनको भी इलेमिनेट करना वन बाय वन इट्स वेरी क्रूशल कॉमेंट आया हुआ <laughs> ये एनएलपी <थीकिंग> <laughs> कर दिया ने <laughs>

सीख बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमने अभी तक इवन प्रैक्टिसिंग लोगों ने भी अल्लाह के बारे में इतना सोचा ही नहीं है ना उसको जाना है ना उससे मैं स्लैंग में कहूँ गप्पे मारी हैं ना अल्लाह को अपना दो समझाए यानी जब अब नूम ने कहा ना कि जब वो फरिश्ते खुत लड़के बन के आए खूबसूरत नौजवान तो लोग दरवाजे खरखटा रहे हैं और हमें दो हमें एक उनका बेटियाँ हैं उन्होंने कहा नहीं तो उन्होंने दीवार से टेक लिया और कहा काश मेरे पास कोई आज

जो उसका और अल्लाह के बीच में ये जो सीधा जो हॉरिजोंटल सॉरी वर्टिकल जो एक पैराडाइम है वो ठीक कर लेगा ना अल्लाह उसके हॉरिजॉन्टल दे वो ठीक कर लेगा मन हु, हु, हु। जो अपने सीक्रेट लाइफ को सेट कर लेता है अल्लाह उसके पब्लिक लाइफ को सेट कर लेता है मन अल्लाह जिसने आखिरत के लिए काम किया अल्लाह उसके दुनिया के लिए काफी हो जाएगा

मैं अभी उसे बात कर रहा हूँ और मैं अभी सजदे की अगर हालत में हूँ तो मैं सबसे करीब हूँ अकरब हम

आग में कैसे डालेगी तो फिर अल्लाह से कैसे कनेक्ट किया और कहा कि फिर तुम्हें क्या अल्लाह आग में डाल सकता है यानी इतनी होप वाली हदीस है ना ये तो अल्लाह जो लोग ना सतर माओ हदीस है सतर माए क्या पूरी कायनात की माए अल्लाह सबसे ज्यादा इंसान से प्यार करता है बस चाहते हैं कि कुछ तो करके आओ ना यार और को हम आयशा कहती हैं कि वो उसमें क्या आता है

अकबर हम सुबह शाम पढ़ते हैं जो पांच वक्त की नमाजी भी है वो तो पढ़ते ही पढ़ते, पढ़ते, हैं।, पढ़ते, पढ़ते हैं। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं ये हम इतनी बड़ी चीज हम लोग अफर्म कर रहे हैं ना कि हमें खुद भी कभी, कभी कभार अगर हमें नहीं पता हम क्या कह रहे हैं हमें खुद अंदाजा नहीं होता हम कह रहे हैं पावर ऑन अर्थ कि मुझे वो चीज दिला दे ठीक है यानी कोई ऐसा बंदा नहीं है कोई नहीं। ऐसी हस्ती नहीं है जो चीज रोक ले अगर तू मुझे वो अता करना चाहता है ठीक है कमेंट आया बड़ा जबरदस्त कमेंट आया <laughs> खुशी ज़हीर कह रहे हैं या कह रही हैं और उससे हमें खुशी हुई

जब से इन प्रिंसिपल्स का पता चला है ना तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला का इंसान के साथ मामला कैसा होता है दुनिया में ना दीन ने हमें क्या बताया जब से ये मामला पता चलना शुरू है ना तो बहुत सारे क्वेश्चन इंसान के वैसे ही हल हो जाते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो बुरा हो आपको फौरन पता चल जाता है कि आपके साथ क्या मामला हो रहा है और आपको इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए तो आई वुड से कि मेरे यार था कि एक तो अल्लाह ताला के बारे में नॉलेज हासिल करना दूसरा जनरली इल्म हासिल करना ठीक है। If you remember the time back then, जब हम दीन की तरफ आए और बहुत सारे क्वेश्चन थे बट द मोमेंट अल्लाह इन गैदरिंग्स ऑफ उलामा एंड जो हमने थोड़ा बहुत सीखना उनसे पढ़ना शुरू किया तो जूं जूं पढ़ना शुरू किया अल्लाह बसीरत अता करना शुरू कर दी दिल में you know? और जिससे क्लैरिटी गई यू नो सारे क्वेश्चंस के गए यही प्रैक्टिकल ना वो यही है तो अगर अल्लाह ताला के बारे में जानना जो हम डिस्कस कर रहे थे तो कैसे जानेंगे बाय लर्निंग सीखेंगे सीखेंगे कैसे बाय सिटिंग इन द क्लासेस ऑफ द स्कॉलर्स आई थिंक मैं तो, तो अपनी जो, जो भी रमजान के बाद कमिटमेंट्स है ना यू फाइंड एवरीबॉडी जो भी सुन रहा है हम में खुद भी कोई ना कोई ऐसी गैदरिंग ढूंढें, जहाँ पे आप इल्म सीख सक रहे हो स्कॉलर के साथ बैठे अपनी जो जिस इलाके में है कोई ना कोई मिल जाएगी

बहुत सारे स्टेप्स हैं जब मुझे लोग भी, भी कोई एक दो स्टेप्स बताएं कि मैं क्या करूं मैं उन्होंने दो चीजें कहता हूं ये एक अच्छी कंपनी रखें और दूसरे नॉलेज सही करें क्योंकि दीन पे चलना था इट्स लाइक ड्राइविंग और राइडिंग समथिंग ऑन इंक्लिनेशन ठीक है आप इंक्लाइन रोड पे जा रहे हैं यू नीड टू हैव एनर्जी और फ्यूल इन दिन द अगर साइकिल चला रहे हैं आप जब तक वो नहीं होगा ना आप ये इंक्लाइन क्लाइंब नहीं कर पाएंगे और ये जो फ्यूल है ना आपका ये अच्छी कंपनी है और है। मेरे दो दोस्त मेरे चेंज होने के बाद चेंज हुए दोनों पलट गए कुछ हस्से बाद अच्छा, एक ने करना शुरू किया, बुरी नहीं छोड़ी। अच्छा। एक पलट गए तो किया वो बुरे दोस्तों में बैठता रहा यानी उसकी जो एक ड्रग्स ड्रग्पनी थी वो नहीं छोड़ी उसने और उनको दावत देने के लिए ही स्टेट दिया वापस आ गया और दूसरा जिसने एक बुरी कंपनी छोड़ दी थी हमसे दूर हो गया था वो बल्कि वो मेरे से पहले चेंज होता है इनफैक्ट ऐसे उसने नहीं सीखा था अच्छा और वो जब चूंकि इल्म नहीं होता जब तो फिर इंसान को कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंस देने के लिए ना इल्म बड़ा जरूरी होता है सोचे ना इल्म नहीं है

उखबा बिन नबी मईद एक शख्स था अरब का नोबल था काफिर था उसने अरब के लोगों को दावत दी खाने पीने की तो अलग मैंने कहा कि तुम अगर आ, तुम इस्लाम कबूल करते हो तो मैं आज आज तक ही जस्ट वॉन्टिट किया इस्लाम कबूल कर ले क्योंकि अलग वसलम भी नोबल थे खुरेश के थे तो उसने कहा ठीक है अलग इस्लाम नो प्रॉब्लम ही वॉज नॉट कंसर्न मालदार बंदा था पैसे कमाना था जैसे हम पहले मुसलमान थे इस्लाम हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अलग अबी वसलम आए उसने इस्लाम कबूल कर लिया चाहे दिल से जैसे भी आल वम आए और खाना खा के चले गए तो उसका जो दोस्त है ना बिन खल्फ उसने कहा तूने इस्लाम कबूल कर लिया कहते हैं हाँ वैसे ही यार मोहम्मद वसलम मोहम्मद आए थे मैं उनको मैं मैं एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाह रहा था मैंने इस्लाम कबूल कर लिया व्हाट्स विद द बिग डील कहते हैं नहीं यार तू हमारी कंपनी में आज से बाद नहीं है

कहाँ से आई फ्रॉम कहाँ से फ्रॉम आई केम फ्रॉम अब्रॉड प्रॉपर ओमानी एक्सेंट में बोलता yes, था, yes, था yes, तो यस 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 yes, यस 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 अच्छा तो मैंने कहा ठीक है मैंने घूमे गोलियां कर तो मैं तो टाइम नहीं था ठीक है लगता जा रहा है ठीक है वो मैं नहीं नहीं मिल पाया अब उस साल फॉलो अप कर रहा फॉलो अप सर ये तड़प होती है ना वो पानी मुंह में डाल मुंह डाला था पानी में ये वो तड़प ये वो तड़प एक्चुअली मैं बताऊं ये मैंने टेस्ट किया उस साल को बताओ टेस्ट किया सर टेस्ट पानी में डाला पानी चली थी बंदा हॉस्टल से वहाँ पे लड़कों ने बुलाया था लेक्चर के लिए और उन्होंने कहा हमने सारे लड़के लेक्चर दे आगे तो मैंने कहा ठीक है तो मैंने कहा यार बारिश बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो गई अब उसद कॉलेज मैंने कहा

तो मैं घर से निकला और यूनिवर्सिटी जा रहा था तो अब देखे वो सामने से आ रहे हैं क्योंकि मेरे घर से उनकी मस्जिद जो थी वो बिल्कुल सामने थी तो मैं जैसे देखा वो आ रहे हैं और मैंने उस टाइम नई शेव कराई हुई थी और वो जॉ लाइन थी और म्यूजिक सुन रहा था मैं तो मैं उस टाइम मूड में जा रहा था मैंने फॉर से लेफ्ट ले लिया हमेशा हम बच के निकला करते थे बहुत अच्छे भाई है हमारे जो मैं देख के ना

अब देखिए कितनी जबरदस्त दुआ है मैं अपनी फील करता हूँ कभी कभार जब यानी जब आप इतनी बिजी हो जाते हैं दुनिया काम काज में थिंग विच होल्ड मी बैक आर ऑफ़ अल्लाह सुबहान मतलब अब आप देखिए ना जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो शाहुद में आप ये दुआ मांगते हैं अल्लाहनी इतनी जबरदस्त दुआ है ना ये ब्रो प्रो अल्लाह हम कहते हैं ना कि यार हम अल्लाह तब नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन मैंने अभी तक दुआ ही नहीं मांगी अल्लाह तला के सामने ये इतनी जबरदस्त दुआ है कि या अल्लाह इन्नी नफसी। मैंने अपनी जान पे जुल्म किया यकीनन मैंने अपनी जान पे जुल्म किया यहाँ तक सफिशेंट था लेकिन आगे हम कहते हैं यानी जब आपका वर्ब के साथ आगे वो अगर आप नाउन बोल देना कि मैंने इतना ज्यादा जुल्म किया ना या अल्लाह अपने ऊपर

यानी अल्लाह या यानी कोई मेरे गुनाहों को बख्श सकता ही नहीं है यार नहीं। ये कुरान की और अरेबिक की अंडरस्टैंडिंग भी ना ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये हर किसी की मिनिमम मैं मैं आपको तर्जमाना तर्जमाना चाहिए। चाहिए। जरूरी तर्जमा तर्जमा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कैसे करते हो ना तो फिर आप में आती है आप अलैहि वसल्लम एक बार अपने हुजरे में थे मस्जिद नबी में सहायक राम बैठे हैं और कुरान पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं सीख रहे सिखा रहे हैं ठीक है आप बाहर आए अब देख के ना बड़ा जो है आपको खुशी महसूस हुई विशासत के आसार आपके जो ना चेहरे पे नजर आए तो उन्होंने फरमाया कि शून अल्लाह वाहद शरीक अल कि आप लोग गवाही नहीं देते कि अल्लाह ताला एक है उनके कोई शरीक नहीं है उनका कोई सानी नहीं है ठीक है

एक हिस्सा यानी इफ इट्स अ रोप एक हिस्सा अल्लाह ताला के हाथ में और एक हिस्सा आपके हाथ में ठीक है अगर तुम इसको थामोगे फतह इसको मजबूती से थाम रखो हुँ। मजबूती हुँ। से थामे रखो अगर तुम ऐसा करोगे लन तदुल्लु बादहु अबदा फिर तुम इसके बाद गुमराह नहीं होगे गए तो वल्लाही मैं ही फील करता हूँ मुझे जो चीज होल्ड करके रखती है ना यकीन करें एक तो

You know, और ये बड़ी I think very important point कि कंपनी कब मिलती है है कैसे होती है, चेंज होती है, नहीं होती नहीं नहीं तो तब तक नहीं करना हाथ के बी, आ, स, जो हर हर बंदा बंदा yes. दिन का जिसमें वो कुरान तर्जुम और तफसीर के साथ पढ़े हमारी होती हम के बाद अक्सर तिलावत करते हैं एक कमेंट आया है वो हम पढ़ भी लेते रहे हैं

यार एक बात है ऑडियो क्लब हाउस अभी बड़र्थ अभी, अभी, आगे। 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 अभी हम कैजुअल बैठे हैं ना व्हाट व्हाट इफ आपने जेडीएस में वापस आ जाएं और ये समझेंगे किसी का महबूब है या किसी के महबूब है एंड दैट पर्सन हैज सेंट यू अ लेटर फॉर इंस्टेंस नशीद लगाना नहीं बाय चांस नशीद लगा दो

सुबह खैर यार छोड़े अब आप मुझे मेरी बात सुने ना बाप आपके सामने खाना होगा आप पहले खाना खाएंगे या आप पहले उस लेटर को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पोली पोली। खाना छोड़ देंगे क्लासेस छोड़ देंगे सब कुछ छोड़ देंगे एग्जाम इवन एग्जाम भी हो ना अब मुझे याद है हमारा एग्जाम था 20s में है 30s में है 40s में है ब्रो आप मुझे ख्याल है क्वेश्चन नहीं समझे उनका शेख कह you right now, आप जाहलिया में जाएंगे नहीं ऐसी बात कह रहे हैं नहीं, अगर आप गलत है ना फॉर एग्जाम्पल जो जो कह रहे है हैं आप, आप अभी के हालात में अगर हाँ, आपको वो वाली सिचुएशन मिले तो अभी इस सारी इल्म के साथ और प्रैक्टिस के साथ जो भी है क्या आप अभी भी वो पढ़ना चाहेंगे या नहीं, नहीं नहीं मैं कुण कुण दी 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 नहीं नहीं कंफ्यूज कर दिया आपने यार, यार <laughs> नहीं नहीं। नहीं नहीं और बात ये <laughs> <नहीं नहीं नहीं। laughs> वो जा रहे कि आप अगर आपके महबूबा है लेटर अब लेटर ओपन आपने नहीं किया पढ़ा नहीं है उसको लेकिन आपके अंदर आपको ऐसा ही है आया आप कोई भी काम आपका चाहे एग्जाम भी होगा ना आपने ठीक मेरे साथ ऐसा बोलते हुआ कि मुझे जब लेटर आया तो मैं हमारी क्लासेस थी तो हम हालांकि कोई इट वाज नॉट ट्रू लव और समथिंग ठीक है लेकिन फिर भी मैं क्या यार क्लास खत्म हो हमने इवन क्लास के अंदर ना सो इस टीचर सामने देख रहे नीचे लेटर्स पढ़ रहे थे ठीक है और इस तरह की चीजें बात है कि क्लास और सभी चीजें आपकी सेकेंडरी बन जाती हैं वो लेटर या वो चीज

मैं नहीं, नहीं, नहीं। आपको समझता हूँ पढ़ा लिखा कहते हो यहाँ जाहिल बने क्या हो, तो तुम्हारे तुम पास इतना भी वक्त समझो तो सही फिर इसका मतलब कि तुम अपनी गवाही पे सच्चे नहीं निकले जब तुम कहते ना न तुम अल्लाह से बहुत मोहब्बत है अल्लाह से बहुत प्यार है तुमने वफा नहीं करके दिखाई बल्कि ये कुरान जो हमारे पड़ा हुआ है

पूछा काले रसोल्ला मन हम अल्लाह के नबी नबीम कौन है वो लोग फरमायाहल्ह खास कुरान को पढ़ने वाले कसरत से यानी मेरे आई के नॉट फैक्ट कि हमारे पास कुरान मौजूद है और कुरान इतनी ट्रांसफॉर्मेशन किताब है और हमारे पास होने के बावजूद हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है यानी हदीस भी साथ हदीस रिजेक्शन की हम यहाँ पे बिल्कुल वो अलग चीज़ है

So, ये हमारी कोताही है यानी जो कहते हैं कि आई एम एक्सेप्टिंग फितने का दौर है मुश्किल हालात हैं आप अपना कुछ चेंज नहीं कर पा रहे बहुत सारे फितने हैं लेकिन हैव यू गिवन टाइम टू कुरान विध ट्रांसलेशन के दौर में अगर आपको रखा है बहुत सारे फितने हैं। तो और आ, कुरान का मैसेज भी है साथ इट मीनस के आप चेंज हो सकते हो बिल्कुल, आप बिल्कुल। इन तारीट नाज वेल अगर हमसे बातें को जान है आपने बड़ी अच्छी किताब दी थी मुझे एक दफ़ा तेरे नाम तेरे पहचान ठीक हाँ। है बड़ी जबरदस्त किताब है आप लोग लें परचेज करें पढ़ें बहुत सारे अरबाले भी असमान हसना भी अच्छी किताबें लिखी हुई पढ़ें दूसरा कुरान से ताल्लुक मेंटेन करें कुरान को डेली पढ़ा करें अबूजल गफारी कहते हैं कि लोगों मुझे शर्म आती है कि मेरा एक दिन गुजर जाए और मैंने कुरान खोल के पढ़ा ना हो इतनी सहाबी जलील है उनको शर्म आ रही है कि उनका दिन गुजर जाए और हमें शर्म नहीं आ रही कि हम कुरान को नहीं पढ़ते मुझे एक, शख्स सवाल के शेख से कि शेख साहबा का ताल्लक़ कुरान से कैसे था हमें कम कंटम्प्राइज करके बताएं समझाएं उन्होंने कहा उन्हें तुम्हारा ताल्लुक व्हाट्सएप से है या जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तुम्हारा ताल्लुक इंस्टाग्राम से है हाउ हाउनी टाइम्स डी यू ओपन इंस्टाग्राम ऑन डेली बेसिस एंड एस यूर सेल्फ हाउनी टाइम्स डी यू ओपन कुरान ऑन डेली बेसिस यानी जितने टाइम तुम इंस्टाग्राम खोलते हो साहबा फ्री वक्त में कुरान खोल के पढ़ा करते थे और एक साहब ही कहते हैं कि तुम्हें पता उम्र का मुकाम ऐसे कैसे मिला उम्र का को कहते हैं जब भी वो घर में दाखिल होते वो कुरान का मुसहब खोले पढ़ना शुरू कर देते थे मतलब पे, अभी बीवी दूर बच्चे दूर फैमिली सब दूर सबसे पहले घर आए लॉन्ग फॉर इट सो कुरान से ताल्लुक तीसरे बात की अच्छी कंपनी अच्छी कंपनी को इख्तियार करें इफ यू नॉट गिविंग दवा आर गेटिंग दबा ठीक है साहिब uh, अरबी का मकुल है

आपने एक की और उसकी आपको एक फर्दर पुश मिलेगा और जब आप वैसे भी लिखते हैं तो लाइक प्लान हम कहते हैं ना प्लानिंग करनी चाहिए प्रैक्टिकली so mm -hmm. मैंने कुरान पढ़ना है कहाँ पढ़ना है सुबह पढ़ना है शाम में पढ़ना है uh, कितना पढ़ना है उसका टाइम रखें जो बात कर एक मिनिमम स्टैंडर्ड करें हर चीज़ का दुआ का भी टाइम सेट करें इन चीज़ों का बिकॉज दैट वुड एक्चुअली अदरवाइज ना मुझे फीलिंग होती है कि एटलीस्ट मेरे साथ होता है कि अगर जब मैंने बहुत सी दिन में सोचती होता ना मोटिवेट हम बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हम अपने ऊपर बर्डन ज़्यादा बना लेते हैं और हम कहते हैं ये भी करेंगे और आधी चीजें हम करते हैं अपने लिए एटलीस्ट फाइव चीजें आप जितनी रखना है आप उसको बना लें मतलब एक शख्स बोला जाए कि आपने दरख्त काटना ही है उस काटने में आठ घंटे लगते हैं उसे वो शायद पूरे दो तीन महीने गुजार दे और कहा आठ घंटे तो मुझे मिल रही नहीं है मैं किस दिन काटू दो महीने गुजर जाए लेकिन अगर वो ये मेरी गाड़ी के you know, पड़ा होगा हिट करूंगा और मैं चला जाऊंगा दो महीने बाद उस दर कटा हुआ होगा उसको एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी होगी उतनी ज्यादा ना सो एक डेली फाइव रूल बना लें टास्क यू स्मॉलर टास्क और इनशाला आपसे रोज़ाना करना शुरू कर दें अल्हमदा मैंने इस बार ट्राई किया, किया कि मैंने ना एक अपनी चेक लिस्ट बना ली यानी मैंने यहाँ सीरियल नंबर सारे काम जो मैंने करने हैं इबादात के हवाले से ठीक है रमज़ान में और यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव टिल थर्टी डेज़ और उन सब को मैंने स्कीजल कर लिया कि मतलब सुबह उठते ही आल इमरान की तिलावत है या सदका देना है और मस्वाक फाइव टाइम्स एंड देन वन यू वे क्या आप सोए थे वजू की हालत में

पढ़े ऐसे ना करें आठ या बीस पढ़ ली एक रात और फिर छोड़ दी। के बारे में आता है कि लाजिमत हो जब भी वो कोई अमल करना शुरू करती उस पर लुजूम इख्तियार करती हमेशा की इख्तियार करती अब वो जो हदीस है कि बारह लगते पढ़ा करो दिन में सुनू जो पढ़ता है उसका जन्नत तो महल जन्नत तो महल त्याल किया जाता है ठीक है फजर से पहले दो ज़ोर से पहले चार जोर के बाद दो असर के मगरब के बाद दो और शाह के बाद दो ठीक है बारह हाँ। उम्मे हबीबा ने सुनी उनके बारे में आता है कि जब से अल्लाह के उन्होंने सुनी उस दिन के बाद उन्होंने कभी तक नहीं छोड़ी मौत तक उनसे सुनी अब्बासा अब्बास ने अब्बास नहीं ने कहते हैं जब मैंने सुनी मैं सारी जिंदगी अमल करता रह गया मैंने नहीं छोड़ी उनसे सुनी अमर बेनाउस ने जब से मैंने सुनी मैंने सारी जिंदगी अमल किया और नहीं छोड़ा उनसे थोड़ी नुमाइन ने कहते हैं, जब से मैंने सुनी सारी जिंदगी अमल करते रहे कर नहीं छोड़ी अल्लाह देवर, देवर हमने कितनी अदीस सुनी अल्लाह के नबी की और हमने हम उस पर कह सकते हैं कि मैंने वो नहीं छोड़ी जब से मैंने अदीस सुनी हजरत अली भी नबी तलेब कहते हैं कि जब से मेरे हबीब ने मेरे रसुल्ल ने मुझे वो तस्वीर बताई ना तैंतीस तैंतीस चौंतीस दफा वाली सुबह अलहमदुल्लाज तक नहीं छोड़ी

कि जो आपने अब कर, जो किया है ना अब इसको कंसिस्टेंटली आपने अगले 11 महीनों तक चलाना है हाँ कोई एक चीज़ मिस होगी नो प्रॉब्लम क्योंकि रमजान में इंसान ओवर एग्जर्ट कर रहा होता है mm. लेकिन जो आपने किया है अब इसको चलाओ तहज की नमाज बेशक दो रखते हैं पढ़ो एंड तहज वेरी स्पेशल टाइम नाइट प्रेयर इज़ वेरी स्पेशल टाइम अल्लाह अकबर एक आशिक अपने महबूब को ना रात का टाइम डेडिकेट करता है बिकॉज इट इज़ इन इमोशनल स्पिरिचुअल टाइम इस्लाम टेक्स बेनिफिट ऑफ दिस स्पेशल टाइम तुम अगर अल्लाह से प्यार करते हो तुम अल्लाह के पास आओगे जुनूब मसाज है तो उन पहलू बसरों से जुदा रहते हैं अक्सर टाइम के लिए तो पॉइंट जो हमने किया इसको कंसिस्टेंट बेसिस पे अमल करें और मैं आप लोगों से फाइनल वर्ड्स भी लेना चाहूँगा इनशाला के स्टार्टिंग फ्राम अबू साथ सानशाला के आप क्या दिस इज़ द फाइनल यू नो पॉडकास्ट दिस इज लास्ट शो इनशाला पर आपकी बहुत रिक्वेस्ट आई है कि जो कंटिन्यू करें हम मंथली बेसिस पे या किसी और उसको करेंगे लेकिन इनशा आपकी रिक्वेस्ट लाजमी करते करेंगे सो अबू साथ एनी फाइनल वर्ड्स इसमें कोई भी ऐसे हमारे भाई हैं जो दे देट टू चेंज फॉर इंस्टेंस इंस्टेंसूम होता ही है यूनिवर्सिटीज़ में दोस्तों यारों में पीर प्रेशर इतना होता है तो लोग जो है ना अमूमन हमें भी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि देखो यार वो भी तो कर रहे हैं ना वो भी तो कर रहे हैं ना सारी दुनिया ऐसे कर रही है तो इसका बड़ा आसान सा ने हमें बताया कुल्ला यस्तविल बतायाब के एक लाइन ड्रा कर दी गई है कि जो यानी गंदगी है या बुराई है और जो अच्छी चीज है यानी जो अच्छाई है कभी भी बराबर नहीं हो सकती वलबा का कसरतल चाहे तुम्हें हर तरफ बुराई बुराई नजर आ रही हो और तुम पूरी दुनिया में एक ही बंदे बचे हो मुसलमान तुमने काफिर नहीं बनना तुमने मुसलमान ही रहना है प्रेशर में नहीं आना यानी हमूमन हम लोग ना प्रेशर बहुत ले रहे होते हैं कि यार सब लोग कर रहे हैं वो हमारे आपको रिश्तेदार कहेंगे सारी दुनिया कर रही है तुम क्यों फिर ऐसे कर रहे हो सारी दुनिया जो है देखो तुमने दाढ़ी लाइन पड़ी थी आप कंटिन्यू कीजिएगा इसके बाद कि नेकी नेकी है चाहे कोई ना कर रहा हो और बुराई बुराई है चाहे हर कोई कर रहा हो आयत यही कहती है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट वही बात आती है कंसिस्टेंट रहने के लिए अपना आप अल्लाह ताला अल्ला के साथ जो है अपना रिलेशन स्ट्रांग रखें अपने दोस्त ऐसे पिक करें जो आपको यानी अगर आप यानी वो जा रहे भी हो ना उस जगह पे तो आपको वो खींच के लेके क्या कर रहे हो और वही असल दोस्त हैं हमारे

यानी जो मर्जी हो जाए नमाज को मत छोड़े आप जो ये प्रैक्टिस हमारी अगर तीस दिन अल्लाह तला ने हमें करवा दी है ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया हुआ था कि नमाज पढ़नी है वी शुड स्टिक टू इट तो बाकी लखे, लखे। लखे। शेख अली हाँ, ब्रो मैं ही सोच रहा था कि अगर जो भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो भी लोग हमें देख रहे हैं और चाहे अभी देखना शुरू किया है जब से आवर स्टार्ट किए तब से देखना शुरू किया अगर तो उनमें से उन चंद लोगों ने ये चीज डेवलप कर लिया ना कि एक एटीट्यूड डेवलप हो गया उनका

तभी लेगा जब क्यामत के दिन अपना पाँव उसका जन्नत में चला जाएगा तब वो रुकेगा जाके तब उसकी एफर्ट खत्म होगी क्योंकि होता क्या है कि हम लोग यूजली वी आर गोइंग विद द फ्लो जो सोसाइटी कर रही है वो कर रहे होते हैं तो वेन दिस बैटल स्टार्ट एंड यू वेक अप फ्राम दिस स्लीप आई वुड से तो दैट इज द टाइम वेन यू शुड कंग्रेचुलेट योर सेल्फ और नहीं। नहीं। वो सारे स्टेप्स जो हमने बात किए ना उनको मेरे ख्याल से अडॉप्ट करे शख्स हर बंदा एंड दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड

कोई कंपनी कोई और चीज़ कोई डिले प्रोकेस्टिनेशन कुछ भी ना हो अभी के अभी ना आ, एक क्विक सा प्लान बनाए राइट थिंग्स डाउन इरादा करें नियत करें दुआ करें या मकल करो भी दिन ये दुआ करें कि अल्लाह तिलो फ मेरे दिल को ना दीन पे साँग कदम, साँग कदमी की दुआ करें कि मुझे कंसिस्टेंसी नेकी पे जमने की तोहफ़ी गाँ फरमाए और उसको अपॉर्चुनिटी डोंट डिस्टिलेट इसको ना कि रमज़ान के बाद ये नहीं कि सोचे कि ईद के बाद ये शुरू कर लेंगे या हफ्ता बाद कर लेते थोड़ा चिल कर ये बड़ा ट्रैप ही होता है शैतान का भी कि, कि यार इतनी तूने रमज़ान में मेहनत की है इतने लेक्चर सुने इतनी आदात की तो तीन चार दिन तो चिल करना बनता ही है ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ वो तीन चार दिन के बाद ना रिलैक्सेशन आपको समझ नहीं लगेगी कहाँ से कहाँ लेकर जाइएगा वो जो आपने कहा ना कि लिख लें वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है

और वो आप एक दूसरे पे ना चेक रख रहे हो चेंज प्रोसेस में ना help करते अगर बिल्कुल अकेले हो आइडली तो आप अल्लाह के सामने अकाउंटेबिलिटी hmm. तो लेकिन शुरू में अगर आपके फ्रेंड बहन वाइफ हस्बैंड एक दूसरे के थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी रखें कि यार ये चीजें हमने करनी है तभी घर में व्हाइट बोर्ड है पूरी फैमिली मिलकर तो इनशाला जवाब मिल के करते है तो जखल खैर एवरीवन और मेरी तरफ से जो आखिरी एक दो बातें वो ये हैं कि इमेजिन योर सेल्फ मीटिंग रसूल सल्लम ये जो सारी एफर्ट है ना ये उस मोमेंट के लिए करें hmm. कि यू गो एंड मीट द रसूल डैट हौज कौसर और वो आपको कहें कि यू डिड अ ग्रेट जॉब रमज़ान 2021 ट्वेंटी वन वॉज द टाइम वन यू चेंज्ड हैव मेड इट टू हाउस एंड टू मी एंड टू जन्ना सो so उस चीज़ को रखें कि यारोमेंट के लिए और तेरे चेहरे के दीदार के लिए मैंने सारी एफर्ट करनी है और याद रखें कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम छोटे थे रो रहे थे और रोना हमारी लाइफ की निशानी थी जिंदगी इस तरह गुजारें कि जब हम इस दुनिया से जा रहे हो ना तो हम सेटिसफाइड हों हम खुश हों और लोग रो रहे हों कि काश इसको कुछ और टाइम मिल जाता तो इस दुनिया अच्छी जगह होती रहने के लिए और आपको सेटिस्फेक्शन हो कि अल्हम्दुलिल्लाह या अब आई डिड माई बेस्ट जितना मैं कर सकता था मैंने किया एंड फॉर जन्ना बिकॉज इट्स वर्थ इट यू नो वट द बिगेस्ट लॉस नोइंग अल जन्ना तो एंड नॉट फाइंडिंग अ सिंगल प्लेस इन जन्ना जन्नत की जो वास्टनेस इतनी बड़ी है और आसमान और ज़मीनों के बराबर है लेकिन उसमें उस, उस इंसान को एक कमरा भी ना मिले दिस इज़ द बिगेस्ट लॉस तो उसके लिए जो है ना उस जन्नत के लिए उस इनामत के लिए अल्लाह की ऱाए के लिए अबीदाली का फल इतना फ़सल उतनाफसून उस चीज़ के लिए इन शफर्ट करें और उम्मीद है अल्लाह ताली मैंने जे एवं आर्ट का शो है बहुत सारे लोगों के लिए खैर का बायस बनाया होगा अल्लाह ताली से दुआ है कि लल्ला तला हमारे नेक अमाल में भी इन घंटों को लिख दे और हमें भरपूर इसका अजर नसीब फरमाए हम हर चीज़ पर क़ादर हैं और अल्लाह ताली हमें आपसे बेहतरीन अजर की भी उम्मीद है और इन शाल यह सिलसिला है दीन की दावत का ये चलता रहेगा माम शेख अल्बानी कहा करते थे कि तरीकोल्ला तवील अल्लाह का जो रास्ता है वो बहुत लम्बा है अल्लाह तम से एंड तक पहुंचना डिमांड नहीं करते वट ही डिमांड्स फ्रॉम अस इज कि हम इस रास्ते पे चलते चलते मर जाए सो so हमने इस रास्ते पे ये एफर्ट करते करते स्ट्रगल करते करते इनशाला मर जाना है और कोशिश ये करनी है कि हम विनर्स हों हम जीतने वाली साइड पे हों और हम कम हार रहे हों और जब हार रहे हैं तो तौबा कर लें इस्तार कर लें अल्लाह बहुत

शकील जो कि हमारे पोस्टर्स बनाते रहे मुजम्मिल और साथ माशा जो कैमरा शिफ्टिंग देख रहे होते हैं माशा कर रहे होते हैं और मुजम्मिल मजम्मिले इसको सारा मोनीटर कर रहे होते हैं तो इनका भी बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट है इन लोगों को भी इनकी फैमिलीज को भी अपने दौ में खास याद रखें और अल्लाह हमें उन लोगों में से शामिल कर दे जिनको अल्लाह जहन्नम की आग से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दे इस रमजान में बार फिकुम अमाल वरमी वर्क